लिंक को ओपन करने के बाद ये पेज आपको शो करेगा। उसके बाद आपको आईडी और पासवर्ड डालने हैं। आईडी और पासवर्ड आपको मेल पे भी आया है और मैसेज पे फॉर्म अप्लाई करते रहे हैं, वो डालने हैं ध्यान से। और उसके बाद आप जब लॉगिन करोगे तो आपका लॉगिन जो होगा वो आपको ऐसे शो कर देगा। आपका जितना भी रोल नंबर होगा, जो भी रोल नंबर है आपका, वो यहाँ पे इसने दिखा दिया है। और जो टेस्ट में नंबर है वो यहाँ पे शो कर रहा है, जैसे कि 8 नंबर है इसमें, तो आपको यहाँ पे शो करेगा दिया हुआ है यहाँ पे। जिन बच्चों को डाउट है कि मेरे पेपर ठीक था या नंबर, जो आप अपना अपना चेक कर सकते हो, क्योंकि अगर कल को कोई दिक्कत हुई तो आप क्या पता आपका सिलेक्शन होता हो और आप फिर भी चूक जाएं, तो इसलिए आपको यहाँ से आपको चेक कर लेना है। ये आपके नंबर यहाँ पे शो करेगा, आप प्रिंट भी ले सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप देख लेना। अगर लिंक आपको नहीं मिल रहा है तो वीडियो के 5 या 6 मिनट बाद आपको मिल जाएगा, क्योंकि अपडेट करना होता है वो इसलिए। और रिजल्ट के लिए आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि रिजल्ट क्या है, उसमें आपका रोल नंबर है या नहीं है, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको डिक्टेशन और जो भी अदर इन्फॉर्मेशन हो वो आपको सबसे टाइम टू टाइम मिलती रहे, और जैसे कि कोई इन्फॉर्मेशन आए आपको मिल जाए उसी टाइम आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। और बेल आइकॉन का जरूर दबाएं। मैंने देखा है बहुत से व्यूअर ऐसे आते हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, या बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है लेकिन उनके पास वीडियो नहीं पहुंच पाती, तो बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। और ऐसी डिक्टेशन चलती रहेगी रेगुलर, जो वर्ड्स होंगे वो शॉर्ट्स वीडियो में आते रहेंगे। आप वीडियो को देखते रहें ताकि आपकी जो डाउट हो वो क्लियर हो जाए। आपके हर कमेंट का मैंने रिप्लाई किया है, अगर कोई छूट गए हो तो आप दोबारा कमेंट करें। कोई भी आपको दिक्कत आती है तो आप प्लीज़ हमें बताएं, जो भी वर्ड्स में या डिक्टेशन में कोई भी आपको वर्ड समझ में नहीं आता या हमने गलत बोल दिया, तो आप सजेस्ट ज़रूर करें ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। ये आप देख सकते हैं, नंबर आपको ऐसे शो कर देगा। लिस्ट मैंने कल वाले वीडियो में लिंक में डाल दी थी, ऐसा कुछ नहीं है। और यूट्यूबर्स की तरह हमारा ये कुछ मोटिव नहीं रहता कि हमारे व्यूज़ आए या सब्सक्राइबर्स बढ़े, ऐसा कुछ वो नहीं है। क्योंकि मैं खुद जो हूँ, मैं खुद एक स्टेनो की तैयारी करने वाला स्टूडेंट हूँ, उसी बेस पे मैं आपको जितने मेरे पास जजमेंट्स आते हैं मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, या ऑनलाइन जैसे भी हमें मिलते हैं जजमेंट्स वो हम अप्लाई वो रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि जो बच्चे मतलब सेंटर नहीं ज्वाइन कर सकते या जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है, कोई वर्क भी करते हैं साथ में, तो उनको थोड़ा बेनिफिट हो। और जो बच्चे सेंटर पे जाते हैं वो वहाँ पे लिख लें और 2 जजमेंट 5-10-15 मिनट निकाल के ये जजमेंट लिखें, तो उनको थोड़े नए अगर कोई वर्ड आता है, वर्ड्स वगैरह आएंगे तो पता लगता रहेगा साथ साथ, इसलिए हम ये जजमेंट डालते हैं। और आप डेली रीडिंग के लिए 2 या 3 डिक्टेशन ज़रूर लिखें, आपको 2-3 डिक्टेशन डेली मिलती रहेगी। और वर्ड्स आपको शॉर्ट्स वीडियो में भी मिलते रहेंगे और अदर भी हम आपको देते रहेंगे। और जैसे कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो मैंने वीडियो डाल रखे हैं, जिनकी आउटलाइन नहीं डाली मैंने, लेकिन वर्ड डाल रखे हैं, उन पे आप ज़रूर फोकस करें, क्योंकि वो वर्ड्स डिक्टेशन में आपका बहुत मेन हिस्सा रहेगा, मेन पार्ट रहेगा, वही आपके सिलेक्शन को मजबूत बनाएंगे। तो आप वीडियो देखते रहें, सभी वर्ड्स लिखें, ज़्यादा नहीं 1 या 2 लाइन ज़रूर लिखें, ताकि आपको उस वर्ड्स के बारे में याद रहे, आप भूलें ना। और वर्ड्स को रिपीट करते रहें, ये नहीं आपने एक वर्ड्स आधा लिखा उसके बाद वो आपकी कॉपी में बहुत पीछे चला गया, शुरुआत में था लास्ट में आपने कॉपी भर दी, तो जो बेसिक वर्ड होते हैं वो आप डेली लिखें, ताकि आपके जो छोटे मोटे नंबर या मिस्टेक्स हों वो कम हो जाएं धीरे धीरे आप करते रहें। और जो और कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।